है कि यार उनको थोड़ा सा यहाँ प्रेशर वेशर लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है चलो। कहता है बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट 20 मीटर। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि यच हाइट से मैंने एक बॉल गिराया। यार देखो यच हाइट से अगर मैं बॉल गिराता हूँ, ये हाइट, दिस इज द हाइट, यच हाइट, और यच हाइट, इस हाइट की वैल्यू दी है 20 मीटर, ऑलरेडी दिया हुआ, दिस हाइट इज 20 मीटर। अगर ड्रॉप हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी, ये हाइट थ्रो हुआ है, ड्रॉप नहीं हुआ, थ्रो हुआ है विद वेलोसिटी वी नॉट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो थ्रो हुआ, यहाँ से हमने वेलोसिटी वी नॉट से थ्रो किया और इट कोलाइड विद ग्राउंड, ग्राउंड से कोलिजन किया है। ठीक है, मान लो वी वेलोसिटी से यहाँ से आके ग्राउंड से कोलिजन किया, जो कि दिया नहीं है। ठीक है, एंड 50% एनर्जी लूज इन कोलिजन। अब देखो, जब मैंने एक बॉल को नीचे फेंका, फेंकने के बाद ग्राउंड से कोलिजन किया और कोलिजन में अपनी कुछ एनर्जी लूज कर दिया, इलास्टिक कोलिजन नहीं है भाई, ठीक है, एनर्जी लूज, ठीक है, लॉस हो गया उस कोलिजन में, कितना, यहाँ जितनी काइनेटिक एनर्जी के 50%। अब जो जो एनर्जी बच गई पहले से, कोलिजन से पहले जो एनर्जी थी और कोलिजन के बाद एनर्जी कम हो गई, 50% कम हो गई, तो वो बाउंस करेगा, तो हाइट तो ठीक है, और बाउंड टू द सेम हाइट। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात है, जब बाउंड किया तो वो सेम हाइट तक गया, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दिया गया था, समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर यहाँ से आप ड्रॉप करते हो, और अगर ड्रॉप करते हो फिर अगर 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तब ये सेम हाइट कभी नहीं अटेंड करेगा भाई, भाई पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपने एनर्जी इसको दिया था उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो गई तो ये यच हाइट तक चला गया। ठीक है ना, अगर आप ड्रॉप करते हैं तो यच हाइट तक कभी नहीं जाता। ठीक है, तो अगर यच हाइट तक जाता फिर इलास्टिक कोलिजन हो जाता, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होती। तो सबसे पहले समझो, ये यच हाइट तक, सेम हाइट तक बाउंस किया। अब समझना, यहाँ पर जब आया तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, इसका इसका जो 50% है वो लेके अब ऊपर यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के डैश, वो है 50% ऑफ, 50% ऑफ कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी जितने से कोलिजन किया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50% एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, क्लियर है? तो वी फाइनल वेलोसिटी तो हमें चाहिए भाई, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट का स्क्वायर और 2 और ये जी, और हाइट कितना हो गया यार 20। तो इसका मतलब ये हुआ, चलो वैल्यू बाद में रख देंगे, ठीक है, वैल्यू वगैरह बाद में रख देंगे, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यह जाएगा 2gh, 2gh। ठीक है चलो, वैल्यू बाद में रख देंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने यहाँ से यहाँ लगा, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी था इसका 50% ही पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इस एनर्जी का 50% मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से एमजीएच है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है वो 50% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, मतलब 50% ऑफ, 50% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, तो 50% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, तो 50/100 और ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम जी एच। क्लियर है? तो ये एम ने एम को और एक जीरो ने एक जीरो को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 2 times, मतलब ये आ जाएगा 4gh, दैट इज द वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम दे दो। ठीक है, ये यहाँ वो वेलोसिटी है जितने से हिट किया था, मैंने यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करा दिया। ठीक है चलो, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था
तीन वी नॉट वैल्यू निकाली। अब इस वी स्क्वायर को यहाँ पर मैं रख दूँ तो मुझे वी नॉट दिखने लगेगा, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4gh, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 4gh रख दूँ, वी स्क्वायर 4gh और माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस माइनस 2 मतलब 2gh अंडर रूट, और 2 की वैल्यू 2, t की वैल्यू 10 और हाइट 20, ठीक है, मतलब 400 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, वो इतने से थ्रो हुआ था, ठीक है। चलो रे भाई, तो 20 है, एक ऑप्शन तो है भाई, ये वाला डी ऑप्शन सही है ना, आगे समझ में, चलो नेक्स्ट।